Welcome dear students. Now standard 12 physics chapter number 1 lecture number 10. इस lecture में हम कूलम्स लॉ के बेस पर से दो सम करेंगे. ठीक है, चलो देखो. यहाँ पे आपके सामने एक डेटा है, एक्सरसाइज का सम नंबर 1.3. एक्सरसाइज का सम नंबर 1.3 क्या कहा है? चेक द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज द डायमेंशन लेस. हमें क्या कहा है? ए रेशियो डायमेंशन लेस है, ऐसा आप क्या करो, चेक करो. उसके बाद व्हाट डज रेशियो सिग्निफाई, ए रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, वो भी आप यहां पे समझाओ. ओके, चलो यहां पे क्या कहा है. सबसे पहले चेक द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज द डायमेंशन लेस. अब यहां पे K क्या है? तो K इज द कूलम कांस्टेंट, E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Me इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड Mp इज द मास ऑफ द प्रोटॉन. तो यहां पे गिवन रेशियो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है गिवन रेशियो इज इक्वल टू K स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी. तो दिस इज द गिवन रेशियो. अब यहां बहुत ध्यान से मैं छोटा सा चेंज करता हूं, इसके अंदर मैं एक इतना सा चेंज कर रहा हूं, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जो आर स्क्वायर है मैं दूसरी पेन से लिख रहा हूं, और यहां पर जो है जी एम ई एम पी उसके डिवाइड में अगर मैं आर स्क्वायर लिखूंगा तो मैं इसी रेशियो को इसी तरह से लिख सकता हूं, आर स्क्वायर कैंसल, तो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी हो जाएगा. अब बहुत ध्यान से देखो, व्हाट इज द कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर. अगर मेरे दोनों चार्ज जो है उसमें से एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन है, तो एक क्यू वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, Q2 प्रोटॉन का चार्ज होगा. अब दोनों का चार्ज तो सेम रहता है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो अब ध्यान से देखो, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या बन रहा है, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स है. तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में आर डिस्टेंस पे लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स है. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइड. अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, प्रोटॉन का मास एम पी, ये दोनों का मास है, तो दोनों के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो ए इक्वेशन किसका है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहां पे देखो एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब सी दिस इज ऑल्सो फोर्स, दिस इज ऑल्सो फोर्स, दिस इज द रेशियो, दिस रेशियो, ये जो रेशियो है के स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी इज द रेशियो ऑफ टू फोर्स. तो दिस इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस. अगर टू फोर्सेस का अगर रेशियो लेंगे तो ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, फोर्स के यूनिट न्यूटन होंगे, न्यूटन न्यूटन कैंसल, तो ये जो रेशियो होगा फोर्स फोर्स कैंसल, ए रेशियो डायमेंशन लेस होगा. सो राइट दिस इज डायमेंशन लेस रेशियो. ओके, तो दोनों फोर्स का रेशियो ऑलवेज डायमेंशन लेस होगा. ओके, ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी है वही नीचे होगी, तो इसका डायमेंशन कितना होगा नहीं होगा. अगर आपको कोई पूछे कि सर इस रेशियो का डायमेंशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे M0, L0, T0, बिकॉज दिस इज नॉन एज डायमेंशन लेस, दिस इज नॉन एज डायमेंशन लेस. क्लियर? तो डायमेंशन लेस रेशियो है, पता चल गया. ओके, डन. अब आगे
अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, यहां पे दूसरा क्वेश्चन कहा है व्हाट डज रेशियो सिग्निफाई। चलो तो ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, तो हम यहां पे लिखते हैं गिवन रेशियो क्या है, तो रेशियो इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम बी। हम के की वैल्यू पुट करता है 9 × 10⁻¹ 1.6 × 10⁻¹⁹ 1.6 × 10⁻¹⁹ और ये रेशियो और क्या कहता है, एफ ई अपॉन एफ जी। तो ये रेशियो जो एफ ई अपॉन एफ जी है उसकी जगह मैंने यहां लिख दिया, तो एफ ई अपॉन एफ जी लिख दिया और इन सभी की वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं, सभी की वैल्यूज कांस्टेंट है, हम सबको इसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹⁻ 11, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻¹⁹ kg, प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻¹⁷ kg। तो आपको इनका जो रेशियो है उसका आंसर मिलेगा, उसका जो आंसर मिलेगा वो मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो उसका आंसर मिलेगा 2.273 × 10⁻¹⁹। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, Fe इज इक्वल टू 2.273 × 10⁻¹⁹ Fg। चलो तो ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कंपेयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना गुना ज्यादा है, यानी 10⁻¹⁹ टाइम्स ज्यादा है। तो इसके बेस पर से हम क्या सिग्निफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको पूछा व्हाट डज रेशियो सिग्निफाई, तो ये रेशियो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में इतना ज्यादा है, दैट इज नोन एज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यहां पे सम खत्म हो गया। ओके, इतना लिख के छोड़ दो, बात खत्म। अब यहां पे मैं एक सेकंड मेथड आपको समझा रहा हूं, सेकंड मेथड किसके लिए, टू आइडेंटिफाई दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस और नॉट। ये हमें रेशियो जो दिया है वो डायमेंशनलेस है कि नहीं है, ऐसा फाइंड करने का सेकंड मेथड आपको समझा रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो गिवन रेशियो क्या है, के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो ये रेशियो डायमेंशनलेस है कि नहीं ऐसा चेक करने के लिए ये जितने भी टर्म्स है सभी के डायमेंशन पुट करना है, अगर सभी के यूनिट पुट करना है। चलो तो यहां पे के का यूनिट क्या होगा, तो के का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेस टू माइनस टू। ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी रेस टू माइनस टू। एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसका यूनिट के जी है, मास ऑफ द प्रोटॉन तो यूनिट के जी। अब ध्यान से देखो, मीटर स्क्वायर कैंसल, कूलम रेस टू माइनस टू प्लस टू कैंसल, के जी की पावर वन, के जी की पावर वन, टू टाइम्स पावर यहां पर कैंसल, न्यूटन न्यूटन कैंसल, तो दिस इज द यूनिट लेस। अब दिस इज द यूनिट लेस, सो दैट इज द डायमेंशन लेस। इस तरीके से भी आप कोई भी गिवन रेशियो जो है वो डायमेंशन लेस है कि नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ओके, डन, थैंक यू। ओके, अब आगे वाला सम देखते हैं, सम नंबर 1.6, एक्सरसाइज का सम नंबर 1.6। डेटा पढ़ेंगे और डेटा पढ़ते पढ़ते साथ में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, 4.40, कितने पॉइंट चार्जेस है, 4.40 आरक्यू। ओके, 4.40 क्यू ए क्यू बी क्यू सी एंड क्यू डी आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी। यानी हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका नाम है एबीसीडी, एबीसीडी स्क्वायर के
जो कॉर्नर्स है सभी कॉर्नर पे चार्ज अवेलेबल है, तो कौन से कॉर्नर पे कितना चार्ज है वो गिवन है। ओके, जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर के सेंटर में जो 1 माइक्रोकुलम प्लेस किया है उस पर टोटल चार्ज कितना लगेगा। ओके, चलो यहां पे देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं, तो ध्यान से हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर कौन सा है, एबीसीडी स्क्वायर है, ए बी सी डी। पॉइंट ए पे कितना चार्ज है, तो पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसको मैं बोलूंगा क्यू ए, पॉइंट बी पर जो चार्ज है वो क्यू बी, सी पर जो चार्ज है वो क्यू सी, एंड डी पर जो चार्ज है वो क्यू डी। अब डेटा देखो, क्यू ए इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम एंड क्यू सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, एंड नेक्स्ट क्यू बी इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम माइनस 5, क्यू डी इज ऑल्सो माइनस 5, तो क्यू बी इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू माइनस 5 माइक्रोकुलम। ओके डन। अब यहां पे आगे देखो क्या कहा है, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे हमने 1 माइक्रोकुलम पुट किया है, तो स्क्वायर के सेंटर पे जो 1 माइक्रोकुलम पुट किया है वहां कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले उसके सेंटर की बात करते हैं। दोनों डायगोनल लेंगे, स्क्वायर के दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट ए जो है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे क्या पुट किया है, 1 माइक्रोकुलम। मैं सेंटर को ओ बोल देता हूं और यहां जो चार्ज होगा मैं उसको क्यू ओ बोलूंगा, और क्यू ओ इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम, इतना डेटा दिया हुआ है। ओके, एंड क्यू ओ इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम प्लस क्यू डी इज इक्वल टू माइनस 5 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम माइनस 5 माइक्रोकुलम, एंड दिस इज द 2 माइक्रोकुलम। ओके, बस क्लियर। पॉइंट सेंटर, स्क्वायर का जो सेंटर है वहां पे जो चार्ज है उस चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स हमें निकालना है। तो देखो Q0 पर कौन फोर्स अप्लाई करेगा, QA अप्लाई द फोर्स ऑन Q0, QB आल्सो अप्लाई द फोर्स ऑन Q0, QC आल्सो अप्लाई द फोर्स ऑन Q0, QD आल्सो अप्लाई द फोर्स ऑन Q0। तो Q0 चार्ज पे दूसरे फोर, यहां पे जो फोर एक्स्ट्रा चार्जेस जो कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर्स पर रहने वाले चारों चार्ज Q0 पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। एक पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स लगता है, कौन सी थियरी हुई, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। क्या करेंगे, जितने भी फोर्स लगते हैं सभी का एडिशन करेंगे, हमें टोटल फोर्स क्या हो जा मिल जाएगा। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए सभी का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए के कारण ओ पर लगने वाला फोर्स निकालता हूं। तो यहां ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, यहां पे सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं फोर्स ड्यू टू ए ऑन ओ, फोर्स ड्यू टू ए ऑन ओ। चलो आंसर के यहां पे मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा के, कहां पर किसके बीच में फोर्स लग रहा है, ओ एंड ए के बीच में। तो यहां पे चार्ज किसका आएगा, क्यू ओ क्यू ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, सभी कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस सेम रहेगा, सभी कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस सेम रहेगा, दिस इज द आर स्क्वायर। ओके, मैंने फोर्स निकाल दिया। चलो सबसे पहले फोर्स की बात कर लेता, अब दूसरा फोर्स निकालता हूं सी के कारण ओ पर लगने वाला फोर्स। तो देखो ओ सी, फोर्स ड्यू टू सी ऑन ओ, के क्यू जीरो क्यू सी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके डन। अब यहां ध्यान से देखना, यहां मेरे पास है क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी,
अगर QA is equal to QC है, तो मैं QC की जगह क्या लिख देता हूं, तो QC की जगह QA लिख देता हूं, तो this is the R square. अब यहां बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इसकी डायरेक्शन कहां पर है, फोर्स ड्यू टू A ऑन O, फोर्स कौन से चार्ज पर है, O चार्ज पर है, तो फोर्स शो कहां करेंगे, O चार्ज पे शो करेंगे, A पर जो है प्लस 2 माइक्रोकुलम, Q0, QO जो है वो भी प्लस 1 माइक्रोकुलम, दोनों प्लस है, रिपल्शन होगा, तो A रिपेल करेगा Q0 को, रिपेल करेगा यानी QO कहां जाएगा, दूर जाएगा, तो A के कारण रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, फोर्स ऑन O, O पर फोर्स लगेगा, इसीलिए O पर शो करेंगे, डायरेक्शन दूर जाएगा, तो A फोर्स कौन सा हो गया, O A हो गया, तो this is the force O A, same way, force due to C on O, कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा है, O चार्ज पर, तो फोर्स की डायरेक्शन शो कहां करेंगे, O पर शो करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो C रिपेल करेगा Q0 को, तो QC रिपेल द Q0, तो this is the direction of FOC, okay, अब देख के बताओ, FOA की डायरेक्शन कहां है, O से लेके C तक, तो इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम C टू, सॉरी फ्रॉम O टू C, ओके, और इसकी डायरेक्शन कहां पर है, फ्रॉम O टू A, तो फ्रॉम O टू A, चलो क्लियर, अब यहां ध्यान से देखो, बोथ फोर्सेस आर सेम वैल्यू है रही, K Q0 QA अपॉन R स्क्वायर, K Q0 QA अपॉन R स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं FOA is equal to FOC, वैल्यू दोनों की सेम है, बट डायरेक्शन देखो, A O से C की डायरेक्शन में है, O से C की डायरेक्शन में, दूसरा है O से A की डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन टोटली अपोजिट है, तो यहां पे मैं आप क्या लिख सकता हूं, FOA वेक्टर लिखूंगा, तो दोनों की डायरेक्शन टोटली अपोजिट है, दिस इज द डन, ओके, अब आगे सॉल्व करना है, जैसे O एंड C एंड A के लिए किया, वैसे ही D एंड B के लिए, तो अब हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स ड्यू टू B ऑन O, K QO QB अपॉन R स्क्वायर, चलो इसकी डायरेक्शन, QB नेगेटिव, QO पॉजिटिव, कहां लगेगा, O पर लगेगा, डायरेक्शन कहां पे शो करेंगे, जिसके कारण लग रहा है वहां पर, कि जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वहां पर, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वहां पर, कौन से चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है O चार्ज पे, तो फोर्स लग रहा है हमारा QO चार्ज पे फोर्स लग रहा है, QO चार्ज पे फोर्स लग रहा है, ओके, डायरेक्शन सर, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो BO को अट्रैक्ट करेगा, तो ए अट्रैक्शन हुआ, तो ए कौन सा डायरेक्शन हो गया, ए कौन सा फोर्स हो गया, फोर्स कौन सा हो गया, ड्यू टू बी ऑन ओ, सेम वे डी बी नेगेटिव है, तो यहां इसकी डायरेक्शन कहां होगी, फ्रॉम O to B, FOD, FOD, चलो क्या आएगा, K Q0 QD divided by R square, सबसे पहले देख लो, QB and QD both are same, तो we can write this, K Q0 QB divided by R square, okay, इसकी direction, sir, D is the negative, O is the positive attraction, D अट्रैक्ट करेगा O को, तो यहां इसकी डायरेक्शन, तो एक इसकी डायरेक्शन हो गई फोर्स की डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स ड्यू टू D ऑन O, डायरेक्शन O टू D, तो A हो गया फ्रॉम O टू D, चलो क्लियर, अब आगे, तो यहां आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू सेम है, देख लो दोनों की वैल्यू सेम है, यहां पे हम लिख सकते हैं FOB is equal to FOD, बट दोनों की डायरेक्शन देख लो, अपोजिट, O से B, O to D, टोटली अपोजिट डायरेक्शन, तो FOB वेक्टर is equal to minus FOD, दिस इज डन, तो अब देख लो क्लियर हो गया,
आपको रिलेशन मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, टोटल फोर्स बोलो इस पॉइंट पे लगने वाले फोर फोर्सेस से चारों फोर्सेस हमने निकाल लिए। अब चारों फोर्सेस का क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन, हमें टोटल फोर्स मिलेगा। तो एफ ओ इज द टोटल फोर्स ऑन द क्यू जीरो चार्ज या क्यू ओ चार्ज। चलो टोटल फोर्स क्या आएगा, सभी का एडिशन। चलो कौन से चार फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू ए, ड्यू टू सी, ड्यू टू बी, ड्यू टू डी। चलो क्यू ओ ए इज इक्वल टू माइनस एफ ओ सी है, ए एफ ओ सी वैसे लिखेंगे। अब क्यू ओ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ओ डी है। चलो क्या होगा, ए प्लस माइनस कैंसिल, तो देख लो माइनस एफ ओ सी प्लस एफ ओ सी माइनस एफ ओ डी प्लस एफ ओ डी। बोलो प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, जीरो वेक्टर, वेक्टर है इसलिए वेक्टर लिखेंगे। अब वैल्यू लिखना है तो ऐसा लिखेंगे एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू ओ चार्ज पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो है। उसकी वैल्यू को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को ऐसे लिखते हैं जीरो जीरो जीरो, दिस इज नोन एज जीरो वेक्टर। और सिर्फ जीरो लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू लिखना है, यहाँ पे हम वेक्टर नहीं लिख सकते। सम कंप्लीटली खत्म, एग्जाम में पूछे तो इतना ही लिखना है। ओके डन, थैंक यू।